Hey guys, welcome back to our channel. यहाँ पे हर एक यूजर जो कि लेजी पे कार्ड को यूज करता है उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, बैड न्यूज आ चुका है। अगर आप यहाँ पे लेजी कार्ड को यूज करते हो, लेजी पे कार्ड को एप्लीकेशन को यूज करते हो, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही वैल्यूबल रहने वाला है। तो गाइस प्लीज इसमें आप एंड तक बने रहे, पूरा मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ इस अपडेट के ऊपर, कह सकते हो इस मेल के ऊपर। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं उनके जोर आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे मेरे पास एक मेल रिसीव हुआ है, 110% आपके पास भी जरूर आया होगा आपके अपने रजिस्टर ईमेल आईडी पर। यहाँ पे आप देख सकते होंगे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑन योर SBM बैंक प्रीपेड कार्ड। तो गाइस ये SBM बैंक है जो कि इशू करता है लेजी पे कार्ड को। यहाँ पे आप देख सकते होंगे एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट SBM बैंक। डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ SBM बैंक जर्नी। वी एट SBM बैंक इंडिया हैज ऑलवेज प्रोएक्टिवली कंफर्म टू द रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। द रिसेंट RBI गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग डेटेड September 2, 2022 क्लैरिफाई दैट नो प्रीपेड कार्ड कैन बी डायरेक्टली फंडेड थ्रू लोन अकाउंट्स क्रेडिट फैसिलिटीज इन लाइन विद द कंपनीज मेजर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि न्यूज जारी करा है सर्कुलर जो कि RBI की तरफ से आए, नोटिस आए। यहाँ पे आप देख सकते हो सब मेंशन कर रखा है 2 अक्टूबर 2022 को ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो भी प्रीपेड कार्ड है उसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ पे लोन अकाउंट या फिर क्रेडिट फैसिलिटी के पर्पस से यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर रखे हो वी आर ब्लॉकिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन प्रीपेड कार्ड डायरेक्टली फंडेड थ्रू लोन अकाउंट क्रेडिट फैसिलिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम December 1, 2022। 1 दिसंबर से यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लोन अकाउंट क्रेडिट फैसिलिटीज़, वो इफेक्ट कर जाएगा, आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इनके कांटेक्ट नंबर्स पे जो कि रहने वाले 1800-1033-817। तो गाइस आप डेफिनेटली इस पे रीच आउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको मैं एक बार लेके चलूँ अपने लेजी पे अकाउंट में, तो डेफिनेटली आपके पास एक और नोटिफिकेशन आया होगा। हाल के टाइम पर मेरे पास यहाँ पे 2 अकाउंट जिसमें मुझे यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करा गया लेजी पे एप्लीकेशन के थ्रू, लेजी कार्ड कंपनी के थ्रू, जिसमें मेरा यहाँ पे लेजी पे कार्ड एक्टिवेट है। फिलहाल के टाइम पर वो उस अकाउंट पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया था कि जो 1 दिसंबर है उस दिन तक आपका लेजी पे कार्ड यूज हो सकते हैं, उसके बाद यूज नहीं कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा जो लेजी पे का क्रेडिट है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरीके से करना है। तो डेफिनेटली आप पॉसिबल है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे लेजी पे कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन। बट यहाँ पे डायरेक्टली आप जैसे नॉर्मल के पार्टनर्स है जैसे कि स्विगी, जोमेटो, वाई बीबो, इसी के साथ साथ मेक माई ट्रिक, टाटा प्ले, VI, डंजो, रैपिडो, मिंत्रा, इस तरीके से इन एप्लीकेशन पे लिंक नॉर्मली करके, डायरेक्टली लिंक करके इस अकाउंट को उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो इनका क्रेडिट लिमिट। और हाँ, शायद और न्यू अपडेट आ सकता तो डेफिनेटली आप मेरे से जुड़े रहे। सो गाइस कुछ यही न्यू अपडेट आया था लेजी पे कार्ड के रिलेटेड जो कि मुझे एक ईमेल भी रिसीव हो चुका है, मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया उस पर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मत मिलियो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।